तीन स्कूली छात्राओं पर हुए एसिड हमले के बाद शिक्षा विभाग चौकन्ना हो गया है और हमीरपुर जिला के उठपुर स्कूल में एसिड हमले के बाद कार्यकारी शिक्षा उपनिदेशक अजय पटियाल ने भी स्कूल में जांच की है। तो हमीरपुर के उठपुर स्कूल में छात्राओं के ऊपर एसिड मामले को लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा आज मेडिकल कॉलेज में मेडिकल करवाया गया है। अस्पताल में पहुंची छात्राओं ने पहली बार मीडिया के सामने अपनी बात बयान की है और इस बात का खुलासा किया है कि छात्र ने शरारत के चलते पूरी योजना के चलते एसिड फेंका था। पीड़ित छात्रा शिवांगी ने बताया कि प्रैक्टिकल के बाद शरारती छात्र पर कुछ लड़कियां हंस रही थी और छात्र ने इस तरह हंसने की बात पर छुट्टी के समय चेहरे पर एसिड फेंक दिया जिससे चेहरे पर जख्म बन गए हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल टाइम में छात्र कह रहा था कि छुट्टी होने पर एसिड फेंकूंगा। गौरतलब है कि शनिवार शाम के समय उठपुर स्कूल में एक छात्र ने तीन छात्राओं के ऊपर एसिड फेंक दिया था और इस कारण छात्राओं को जख्म पड़ गए थे। फिलहाल पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है और पड़ताल शुरू कर दी है। मेरा नाम शिवांगी ठाकुर है। शिवांगी ठाकुर, सिर्फ प्रैक्टिकल लगा था, 20 बच्चों का सुबह हो गया था, उसके लंच के बाद जितने बच्चे थे उनका होने वाला था। फिर कुछ लड़कियां उसके ऊपर हंस रही थी, उसको लगा कि मेरे ऊपर हंस रही हूँ, वो अपनी बातों पर हंस रही थी। जब छुट्टी का टाइम होने वाला था तो उसने दूसरे बच्चों के साथ बोला कि जब 2-3 मिनट बचेंगे तो उसके ऊपर वो फेंक देंगे, मतलब उसका चेहरा खराब कर देंगे हम पूरे। तो उस तरफ थी नहीं मैडम भाई, वो ले रहे थे बच्चों का, उसके बाद उसने लिया और दूसरे बच्चों के हाथ से छीन लिया और उसने मुंह के ऊपर फेंक दिया। फिर प्रियंका ठाकुर। क्या हुआ? मैं पल्ली तरफ से आ रही थी, तब अचानक वो जाते जाते उसने ना मेरे ऊपर फेंक दिया था एसिड वगैरह। तब लगा नहीं पता, फिर हमें हॉस्पिटल लेके चले गए सर। ठीक है। स्कूल का नाम क्या है? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उठपुर। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर का करें आकलन, उठाएं नागरिक की आवाज और बताएं क्या आपका धर्मशाला शहर जीवन यापन की दृष्टि से उत्तम है या नहीं, जिसके आधार पर पेश किया जाएगा ईज ऑफ लिविंग एवं नागरिक अनुभव का रिपोर्ट कार्ड। तो आप भी ईज ऑफ लिविंग परसेप्शन सर्वे में भाग लेकर शहर के प्रति अपना विचार साझा करें। तो उठाए अपना फोन और बार कोड को स्कैन करके कहे अपने दिल की बात। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।